हरियाणा में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, जिसमें कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, बायोटेक उद्योग, रियल एस्टेट एवं निर्माण उद्योग आदि शामिल है। राज्य में 1,343 बड़ी और 80,000 लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत हैं। हरियाणा में बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होता है। कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल, रेफ्रिजरेटर, वैज्ञानिक उपकरण आदि अनेक प्रकार के उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हरियाणा है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था भारत में 13वीं सबसे बड़ी है, जिसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 7.65 रुपए ट्रिलियन US$96 बिलियन है और प्रति व्यक्ति GSDP 240,000 US$3,000 के साथ देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 8 उद्योग क्या है? इन 8 उद्योगों को देश का कोर सेक्टर है। ये 8 उद्योग हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और बिजली। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए 5.5 लाख रुपए और राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए 3.75 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उद्योगपति जल्द से जल्द इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसी समस्या को समझते हुए राज्य सरकार ने उनकी मदद के लिए बाजार विकास सहायता के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 5.50 लाख रुपए और राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए 3.75 लाख रुपए तक की सहायता देने का निर्णय लिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के मामले में स्थान, भागीदारी शुल्क, उद्योग से प्रदर्शनी देश तक शिपमेंट शुल्क, प्रदर्शन सामग्री की लागत, उत्पाद साहित्य, स्टॉल निर्माण, फैब्रिकेशन डिजाइनिंग शुल्क या उपरोक्त सभी वस्तुओं का 75% सरकार की ओर से अधिकतम 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए स्थान, भागीदारी शुल्क, उद्योग से प्रदर्शनी स्थल तक परिवहन शुल्क, प्रदर्शन सामग्री, उत्पाद साहित्य की लागत, स्टॉल निर्माण, फैब्रिकेशन डिजाइनिंग शुल्क या उपरोक्त सभी वस्तुओं का 75% तक सरकार द्वारा अधिकतम 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के रूप में अधिकतम 2 व्यक्तियों के लिए विमान का इकोनॉमी क्लास किराया या रेलवे का द्वितीय श्रेणी AC किराया 50,000 रुपए तक और बोर्डिंग शुल्क 25,000 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार दोनों मदों में सहायता की अधिकतम राशि 75,000 रुपए होगी। डिप्टी CM, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का भी प्रभार है, ने गुरुवार को यहां कहा कि कई बार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बजट नहीं होता है। इसके अलावा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के रूप में अधिकतम 2 लोगों के लिए इकोनॉमी क्लास का 1 लाख रुपए तक का हवाई किराया और 50,000 रुपए तक का बोर्डिंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार इन दोनों मदों में 1.50 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी।